गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी लगभग सुबह के 6:30 हो चुके हैं, 6:30 अर्ली मॉर्निंग। और मेरे सभी फ्रेंड्स जो है वो सभी सो रहे हैं। प्लान में कुछ चेंजेस आ रही हैं हमारी। आज हम लोग मंदारमनी बीच से, मंदारमनी का जो एरिया है, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा प्लान है वो दीघा बीच जाने का है, सागर आइलैंड जाने का प्लान है। देखते हैं कि सागर आइलैंड पे एक जो मंदिर है वो मंदिर अभी क्लोज्ड है। लेट्स सी गाइस, तो हम लोग कैसे प्लान कर पाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग को वहाँ पे होटल लेना पड़ेगा। हम लोग का होटल प्री बुक नहीं है। अभी हम लोग रिसेप्शन एरिया में हम बात भी किए थे, तो कल शाम में एक्चुअली एक न्यूज़ आई थी कि आज यहाँ पे मतलब तूफान आने वाला है। तो होपफुली अभी तक वेदर अच्छा है, बट हम लोग कभी भी रिस्क नहीं ले सकते। और वो लोग भी मना कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा बीच साइड वाले एरिया पे ना जाएं। एक तो इतने दिनों के बाद मतलब निकले हैं घूमने के लिए, और फिर से किस्मत साथ नहीं दे रही है। बट नो प्रॉब्लम गाइस, बनाते हैं ना अपनी किस्मत, आज चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं फिर। अरे वेदर सपोर्ट करे ना करे, आपको सपोर्ट करना है। तो गाइस ये है मेन मंदारमनी बीच, क्योंकि हम लोग जो बीच पे थे वो मतलब सही से वो डेवलप नहीं है। फाइनली अब हम लोगों को टाइम मिला है एक शूट करने का, क्योंकि हम लोग सुबह से कुछ भी टाइम हम लोग के पास नहीं था कि हम लोग शूट करके और आप लोगों को दिखा सके। ऐसा कुछ हुआ ये था कि हम लोगों का प्लान था सुंदरबन जाने का, और वो प्लान कैंसिल होगा क्योंकि वो जो फॉरेस्ट एरिया है वो अभी क्लोज करके रखा है उन लोगों ने। तो हम लोगों ने लास्टली जा करके एक रिजॉर्ट मिला है। क्या नाम है उस रिजॉर्ट का? कुछ चंदन करके रिजॉर्ट का नाम नहीं, है नहीं नंदन। हाँ, तो नंदन रिजॉर्ट, और वो ताजपुर में है। सो ताजपुर एक विलेज है यहाँ का, तो वो एरिया में है। और आप लोगों को यहाँ से एक सीन दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे पूरा का पूरा मछली पालन बोलते हैं क्या? हाँ। तो कुछ ऐसा सीनरी है, और ये दोनों साइड में यहाँ पे मछली पालन का तालाब बना हुआ है। यहाँ पे फिशरी होती है और मस्त मस्त मछलियाँ आप लोग पकड़ी जाएंगी। एक्चुअली क्या है ना कि मतलब शहर से थोड़ा हट करके अगर रहना है और एंजॉय करना है, तो आपको ऐसे प्लेसेस पे आने होंगे, तभी आप मजा कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि लग्जरी तो हर जगह मिलेगा, बट इस तरह का नज़ारा आपको नहीं मिलेगा देखने। धतूरा मतलब, अरे बताओ तो, हमको सच्ची में नहीं पता है। सो ये एज पर माई फ्रेंड शिवजी पे चढ़ता है, पता नहीं धतूरा, इसको खाया जाता है? नहीं जाई, चढ़ाया जाता है। तो उसके बाद फिर इसको क्या किया जाता है? बस कुछ नहीं, पूजा में यूज होता है। और क्यों? बाकी पंडित जी से पूछ के पता होता है। तो ऐसे कैसे चलेगा, पता करके बताते हैं। ओके गाइस, वेरी गुड इवनिंग। और अभी हम लोग हैं ताजपुर बीच पे, और ये एक्चुअली बीच फ्रंट है। तो ये जो लोकेशन है ताजपुर बीच का, आने के लिए जो रास्ता है थोड़ा सा जिगजैग है और डरावना है। लेकिन जब बीच की अगर बात करें ना, तो आप जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पे मतलब अच्छा बैठने का व्यू है, और आप रात के टाइम पे इंजॉय भी कर सकते हैं। लाइटनिंग काफ़ी अच्छी है, और आपको हम लोग ज़रूर दिखाएंगे एक छोटा सा शॉट जिसमें आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये जो प्लेस है बहुत ही वर्थ इट है। Yo.
तो इसका जो भी डेवलप किया जा रहा है ना वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के तरफ से ही है, और इसीलिए ये जो लोकेशन है मतलब किसी पार्क से कम नहीं लग रहा है। आप यहाँ पे चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं। आपको कल सुबह हम लोग आपको बीच का व्यू दिखाएंगे, अभी तो ये अंधेरा। शाम के लगभग 4-5 बजे हम लोग चेक इन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हम लोग टायर्ड होंगे। कि ये पहला ट्रिप यार हमारा होगा ऐसा जिसमें हम लोग बिना प्लान किए होटल लिए हैं। जनरली हम लोग हमेशा प्री बुक करके ही जाते हैं। आपकी मम्मी कहाँ है? तो गाइज आप लोग यहाँ पे देखिए ये, गाइज प्लीज आप इसको इग्नोर करिए, पीछे से जो आ रहा है आवाज आप प्लीज आप उसको इग्नोर करिएगा। एक नंबर इग्नोर हो गया। ठीक है तो चलते हैं अब हम लोग खाने पीने वाले एरिया पे और देखते हैं ये ताजपुर में सबसे अच्छा खाने का क्या क्या स्टॉल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ से आपका जो स्टॉल है ये शुरू हो चुका है और ये छोटा सा खाई है, नाला है। ये कौन सा स्टॉल हम लोग के लिए बेस्ट होगा और कहाँ पे अच्छे वाले प्रॉन मिलेंगे, क्योंकि मेरे फ्रेंड को प्रॉन खाने का कुछ ज़्यादा ही इच्छा हो रहा है। सो ये है जगह जहाँ पे आप लोगों को सी फूड मिल जाएगा, और दो पीस सी फूड एज इन प्रॉन क्रैब प्रॉन्स। कितना? 150 रुपए में दो है। 150 रुपए में दो प्लेट प्रॉन, दो पीस। अच्छा बड़ा वाला है क्या? पता नहीं साइज बड़ा साइज है। तुमको चिकन खरीदना पड़ेगा 600 रुपए में, उसका तुम जो बोलोगे वो ये बनाएंगी। जिंदा है भाई बाबुल। ये है प्रॉन चिली, इधर दिखाओ प्लीज। और ये है यमी यमी पॉम्पलेट। अभी हम लोग वापस बीच से लौट रहे हैं। हम लोग प्रॉन टेस्ट किए और पॉम्पलेट टेस्ट किए। खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को प्रॉन पसंद नहीं आया, और मैं ऑलरेडी एलर्जिक हूँ तो मैं तो खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर भी टेस्ट कर लिया। आप लोगों को भी कभी ऐसा कुछ होता है प्रॉन से एलर्जी या किसी भी चीज़ से, तो सबसे पहले जा करके सेट्रिजिन खाइए। और हम लोग का जो कॉटेज है वो एकदम ऐसे जगह पे है, वीरान जगह पे है, जहाँ पे आपका GPS भी काम नहीं करता, तो आपके साथ टॉर्च होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप ताजपुर पे आ रहे। तो कीचड़ बहुत ज़्यादा है और ये झिंगुर की आवाज़, वाव गांव वाली फीलिंग। ये पूरा का पूरा जंगल एरिया है। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें।